खबर रीवा से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता बीके माला ने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समूचे मनगवा तहसील के अंदर हजारों फर्जी कूट रचित आदेश जारी किए गए हैं, जिससे करोड़ों रुपयों का लाभ के लिए टीम तैयार की गई है। उन्होंने मांग की कि इस प्रकरण की सभी बिंदुओं की उच्च स्तरीय कार्यवाही की जाए और कूट रचित मनगढ़ंत और फर्जी अदालत बनाकर ऐसा आदेश जारी करने वाले कर्मचारी और अधिकारी की संलिप्तता की प्राथमिकी से जांच की जाए तो निश्चित ही सारे मामले का खुलासा हो सकता है। आइए आपको सुनाएं अधिवक्ता बीके माला ने क्या जानकारी दी है। आपको संबोधित एक ज्ञापन पत्र हम लोगों ने दिया है संयुक्त रूप से। उस ज्ञापन पत्र के माध्यम से हमने आयुक्त महोदय जी से निवेदन किया है कि रीवा जिले के तहसील मनगवा में एक फर्जी अदालत तैयार की गई है। उस फर्जी अदालत के माध्यम से लगभग 30 आदेश ऐसे जारी हुए हैं जो हमारे पास वर्तमान में 30 भूमि स्वामियों के हैं, जो 7 आदेश वर्तमान में हमारे पास हैं। उस आदेश में टिकट लगे हुए हैं, प्रकरण क्रमांक दर्ज है, पर उसकी फाइल मनगवा तहसील में दर्ज नहीं है। वो इस्तलाबी के लिए संबंधित हलका पटवारी के पास वो रिकॉर्ड जा चुके हैं। पटवारी ने उसकी तफ्तीश करनी शुरू कर दी है और उसमें कई भिन्नताएं पाए जाने के संदर्भ में मार्गदर्शन भी चाहा गया है, परंतु जो वर्तमान में हम लोगों के पास आदेश प्राप्त हुए हैं वो आदेश फर्जी हैं। वो मनगवा तहसील के जो प्रकरण क्रमांक है, वो प्रकरण क्रमांक पूर्व में किसी अलग भूमि स्वामी के नाम दर्ज हैं और यह टिकट लगा हुआ अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवा के सिग्नेचर हैं, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के जो हस्ताक्षर हैं, पदमुद्रा है, वो ए के सिंह साहब के, जो इसके पहले तत्कालीन वो थे, वर्तमान में भी वो SDM वहाँ हैं। और यह लोक सेवा केंद्र 7 में कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और कुछ दलाल मिलके लगभग, ये तो हमारे पास जो पुष्टि रूपी आदेश हैं वो 7 आदेश हैं। इस प्रकार के सैकड़ों आदेश की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कहा जा सकता है कि निजी भूमि स्वामी कई करोड़ की संपत्ति, बेशकीमती भूमि को, ये जो हमारे इर्द गिर्द दिख रहे हैं, सामने है, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये भूमि स्वामी हैं। इनकी भूमि को बिना इनके सुने एक आदेश जारी हो गया। जब इस्तलाबी होने लगी, इसकी जानकारी लोगों को होने लगी, तो अपने अपने हल्का पटवारियों से लोगों ने बात की, पता लगाया तो फर्जी आदेश पूरा घूम रहा है, इस्तलाबी के लिए जा रहा है। इस प्रकार पूरे मनगवा तहसील में इस प्रकार के फर्जी कूटरचित मनगणना दस्तावेज तैयार हैं। यानी शनिवार रविवार को एक अदालत तैयार की जाती है, वह अदालत तैयार करके लोगों का रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाते हैं, फर्जीवाड़ा किया जाता है और इसके आधार में करोड़ों की संपत्ति बेशकीमती बेची जाती है। आज ये जो जितने भूमि स्वामी दिख रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनके माध्यम से आयुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है और जांच की मांग की गई है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने का आग्रह किया गया है।